प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th से जून मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों को बता होना चाहिए 25 जून के दिन जो है ना प्यारे बच्चों, 25 जून के दिन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताने वाले हैं, साथ में इसका पीडीएफ वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड करोगे ये भी सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग देख लीजिए आप लोगों का विषय कोड जो है ना, यदि आप लोगों का जो है देख लीजिएगा साइंस सब्जेक्ट है तो विषय कोड 105 रहेगा, कॉमर्स से तो 205, आर्ट से तो 305 रहेगा, ठीक है। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होता है। प्यारे बच्चों मैं बता दूँ, इसी चैनल पर साइंस एंड आर्ट्स दोनों का क्लास होता है। इसी चैनल पर साइंस वाले बच्चों का शाम में 7 बजे होता है, आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8 बजे होता है। अगर आप लोग करना चाहते हो, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना। आगे मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करना ये सिखा दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए सेशन ए में ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर के 30 तक आपको मात्र किन्हीं 25 प्रश्न का ही उत्तर जो है ना बनाना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न बोला जा रहा है जो ना रिमूव वांट्स टू मेनी डैश डैश, बताइए यहां पर चूस यहां पर क्या भरेगा, बस वही आपको देखना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर जो ना सुसन भरेगा, यानी पहला का आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल जो ना प्यारे बच्चों, एक सेकंड प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नतालिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों बोला जा रहा है ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय, यानी कि ये मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर नोट करेंगे दो का ऑप्शन में डी होगा, ये आपका एंटोन चेकोव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तीन नंबर प्रश्न बोला जा रहा है व्हिच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा तीन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंग्लिश यहां पर करेक्ट हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा चार नंबर क्वेश्चन है विच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर चार का ऑप्शन नंबर जो ना डी हो जाएगा इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर पांच नंबर बोला जा रहा है द एंथम ऑफ, उसके बाद बोला जा रहा है एड जो ना एडेक्वेट, यानी कि इसका आपको ऑप्शन बतलाना है क्या करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों आप लोग बराबर से जो ना कमेंट करिए। तो देखिए पांच का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये आपका जो ना प्यारे बच्चों इंडेक्यूएट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे छह नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि द एंथम ऑफ एडवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर जो नोट करिएगा आप लोग ऑप्शन है, यानी कि आप लोग नोट कर लीजिएगा प्रोपरलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर बोला गया द एंथम ऑफ एंटीक्वी इज डैश डैश, तो बताया क्या होगा, यहाँ पर नोट करिएगा प्यारे बच्चों सात का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि न्यू यानी कि नया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों आठ नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है विच लैंग्वेज फंक्शंस हैज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों साउथ एंड जो है ना नॉर्थ इंडिया में क्या कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आठ का ऑप्शन नंबर डी होगा इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगले प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर नौ नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला गया है ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि हाउ आर नाउ हैज द इंटरनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स, तो बताइए यहाँ पर जो ना प्यारे बच्चों इंटरनेशनल इंडियन लेखक कौन होगा इसमें से, तो याद रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा नौ का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सलमान रुशदी एंड जो ना बी एस नेपुल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 10 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि रिमूव हैज द चेक ऑफ, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो ना नई बोर्ड, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 11 नंबर है द डॉग रैन डैश डैश द रोड, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों डॉग जो है रोड को क्या कर रहा था, तो आप 11 का नोट करेंगे वो क्रॉस कर रहा था यानी पार कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 बोला है कबीर वाज वर्न डैश डैश हम्बल पेरेंट्स, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे राइट आंसर 12 का जो है ना ए हो जाएगा, ऑफ यहाँ पर लगेगा। अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे 13 नंबर बोला है वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई डैश डैश इवनिंग, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 13 का राइट आंसर ऑप्शन होगा बाय होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए
ये क्वेश्चन नंबर जो बोला जा रहा है 14 नंबर है, द मेन डाइड डैश डैश फीवर, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, तो 15 का जो है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे यहाँ पर 15 नंबर बोला है, प्रश्न की डैश डैश इज द डॉटर ऑफ चेकऑफ, तो बिल्कुल नोट करिएगा, ये चेकऑफ किसका बेटा था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा नतालिया का, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 16 नंबर बोला जा रहा है, बोला जा रहा है द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फाइटर लव फॉर मी इज फ्रॉम डैश डैश। तो यहाँ पर आपको चूज ऑप्शन करना है कि इसमें डैश डैश में क्या बढ़ाएगा, ठीक है। तो 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वेटेस्ट लव आई डी डू नॉट गो, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर है, डेट टू, ठीक है, डेट टू लव एस टी मी, उसके बाद हैज डू टू से इट, उसके बाद है इट्स ना, उसके बाद देखिएगा इज फ्रॉम, तो यहाँ पर आपको चूज करना है करेक्ट क्या बढ़ाएगा इसके लिए, ठीक है। ये पंक्ति किस लाइन से ली गई है ये पूछा गया, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन नंबर होगा डी, ये आपका क्या जाएगा, स्वेटेस्ट लव में से, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर की वगैरह डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करिए या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर, आपको फटाफट से सर्च कर लेना, मैं पहले ही कर लिया, आपको कर लेना, फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, इस प्रकार से आप लोग नीचे आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है क्लास 12th वाले सेशन में। तो चलिए ऐसे आएंगे, तो यहाँ देखिए क्लास 12th का एक सेशन आपको बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए क्लास 12th का, और फर्स्ट में जून मंथ के लिए एग्जाम का जो पेपर है जून मंथ के लिए लिखा हुआ है, तो बस इसे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना, फिर नीचे की ओर आना, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट का आपको पेपर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइंस वाले बच्चों के लिए ना ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक यहाँ पर दिया गया, आप देखिएगा प्यारे बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, एग्रीकल्चर का भी, अब आपको डाउनलोड करके सिखाएंगे। अब आपको दिखा देते हैं आर्ट्स वाले बच्चों का कहाँ है, तो आर्ट्स वाले बच्चों का यहाँ पर है, यहाँ देखिए पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हो जाएगा, इसके आगे बढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री होम साइंस इंग्लिश हिंदी टोटल मिल जाएगा, ठीक है। और फिलोसफी साइकोलॉजी सोशोलॉजी, इसके आगे देखिएगा इकोनॉमी उर्दू मैथिली और साथ में म्यूजिक का, तो ये आर्ट्स का सेशन है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉमर्स का सेशन आपको मिलेगा, ठीक है, ये रहा कॉमर्स का सेशन। और यहाँ पर देखिएगा अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी इकोनॉमी इंग्लिश और साथ में आपका हिंदी, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो किसी भी सेशन से, इंग्लिश एंड हिंदी का ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो हम इंग्लिश का जैसे करना है तो डाउनलोड लिखा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, एक बार नीचे को क्या करेंगे, पेज को जरूर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, आपको भी करना है, पेज को नीचे को खींच लेना, इससे अपडेट कुछ भी किया जाएगा तो आपको मिलेगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और मैंने आपको बताया था कि इसी चैनल पर क्लास होता है साइंस आर्ट्स वाले बच्चों का, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके आप दोनों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर अपडेट कर दिया हूँ, आकर के आप सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ से फटाफट से लिख लीजिए। इसके नीचे आएगा तो अभी मैं प्यारे बच्चों बता दूँ, सब्जेक्टिव प्रश्न का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, साथ में यहाँ पर आंसर कभी भी कुछ ही टाइम में डाल दिया जाएगा, तो आकर के यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है द एंटोम ऑफ जो है ना वेनी वायलेंट, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका जो ना मेल जो ना वायलेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है द एंटोम ऑफ पेरिटी इज, तो बिल्कुल नोट करिएगा 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि जो ना दिस पेरिटी हो जाएगा। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, जॉन डेनी इज गोइंग टू डैश डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 का ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 21 नंबर, ठीक है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चलता है, इसका हिस्ट्री क्या है ना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है प्यारे बच्चों 21 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 1150 से लेकर के 1500 SP तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, व्हाट आर यू डैश डैश अबाउट, तो बिल्कुल 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन जो है ना इसका क्या करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते, तो बिल्कुल
ये आपका टॉल्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, तो अगले क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर 23 नंबर बोला जो ना, मैरी गोल्ड डैश डैश ब्लॉम इज समर, तो बिल्कुल नोट करिएगा, राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि डज नोट हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है 24 नंबर, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, तो बिल्कुल नोट करिए 24 का और राइट आंसर ऑप्शन होगा इंग्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न है, विच पीरियड नाउ हैज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ओल्ड जो ना ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच जो ना थिंग थिंक डैश इराइट्स, उसके बाद इराइट है ना, उसके बाद प्यार बच्चों देखिएगा द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 26 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका ब्रोइंग हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न बोला जा रहा है 27 नंबर, हाउ वेयर नाउ हैज द यूनिवर्सिटी विट्स, तो बिल्कुल नोट करिए 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका एलिजिबिलिटन स्कॉलर्स हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर है, हाउ वाज द, बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द ग्रेट ड्रीमिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ जो है ना एज, तो बिल्कुल नोट करिएगा ये स्नेक पर्स हो जाएगा, जब वो सांप पकड़ता था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न है कि हाउ रोट द आर्म्स एंड द मैन, तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवी शाह हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, डैश डैश वांट्स टू गैलीडी एक्सेप्ट डेट, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जॉन डैन। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिया, साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताऊँ जाकर के डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और 2025 की तैयारी के लिए भी आप लोग ग्रुप को ज्वाइन जैसे कि बताऊँ कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करके रखना। शाम 7 बजे आपका साइंस वाले बच्चों का क्लास होगा, और रात में 8 बजे आर्ट्स वाले का, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।